चाहे कुछ भी कर ले, कभी कभी प्लांट खराब हो ही जाते हैं दोस्तों। इस मैं भी मैंने बहुत कोशिश की बट मैं उसको अच्छे से बचा नहीं पाया और ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांच चली गई है। क्या कर सकते हैं, तो इसको तो हम हटा सकते हैं। अभी बहुत पहले से ये बीमार सा हो गया था। ये देखिए अभी भी इसमें कुछ इन्फेक्शन लगा हुआ है, कुछ टिक इंसेक्ट टाइप का, उसको मैं निकाल दूंगा। आज ही नज़र भी आया, क्योंकि इसी जगह पे होता है दोस्तों कि हमारी नज़र नहीं पड़ती और इस तरह प्लांट की कंडीशन खराब भी हो जाती है। तो यहाँ कुछ अनवांटेड जो ब्रांच है वो मैं हटा रहा हूँ, जिससे जो अच्छी वाली ब्रांच ही ग्रो हो पाए। यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ पड़ा है तो उन सबको भी मैं हटा रहा हूँ। तो ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है जो कि विजिबल हो दोस्तों। यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ, ये जो डॉट्स दिख रहे हैं वो किसी इन्फेक्शन के कारण है। यहाँ भी बहुत सारा, तो यही शायद खा गया है मेरे प्लांट को और हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो ये सब नुकसान हो सकता है। तो बहुत ही प्यारा सा प्लांट था ये भी, देखिए अभी भी यहाँ डाइबैक चालू ही है, तो इसको हटा देते हैं। देर आए दुरुस्ता है, अब हम शायद बचा ले इस प्लांट को। तो अगर पता चल गया है हुआ क्या है तो फिर रिकवरी थोड़ी आसान हो जाती है। बहुत वक्त से ये डाउन हो रहा था और व्यस्तता के चलते मैं भी ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दे पाया था। तो कोशिश कीजिए दोस्तों कि अपने प्लांट को ऑब्जर्व करते रहें, जिससे कम से कम नुकसान हो आप सबका। मैंने फर्टिलाइज भी किया, कभी कभी स्प्रे भी कर देता था, फिर भी कुछ काम नहीं आया दोस्तों। यहाँ बहुत सारी अनवांटेड ब्रांचें निकल रही है तो वो सब मैं निकाल देता हूँ और इन्फेक्शन जहाँ भी दिखता है मैं इस तरह स्क्रैच कर देता हूँ, जिससे ये रिकवरी मोड में आएगा। क्योंकि अब स्प्रिंग आने वाला है, बसंत पंचमी अभी नज़दीकी है, तो फिर घबराने की जरूरत है नहीं, अच्छे से फिर से स्टार्ट करेंगे इस प्लांट के साथ और बहुत जल्द शेप में लाएंगे। ये बहुत ही छोटू सा कटिंग था दोस्तों और इस कटिंग से मैंने बनाया हुआ था इस प्लांट को। अब ऐसा होता है तो थोड़ा बुरा तो लगता है बट क्या करेंगे, जब करना था तब कर नहीं पाए। तो देखते हैं कैसा रिएक्शन मिलता है। मैंने अब एंजाइम भी बना रखा है गेंदे के फूल का, उसी का भी इस्तेमाल करेंगे। संतरा का भी बनाया हुआ है, अब नींबू का भी बनाने वाला हूँ। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल होते हैं, बल्कि कहते हैं बहुत फ़ायदे हैं, तो देखते हैं क्या फ़ायदे होंगे। अभी दिवाली के 3 महीने होने वाले हैं, इन्हें दिवाली के दिनों में बनाया था, तब मैं उसको अलग करूँगा और फिर इस्तेमाल करूँगा सब प्लांट्स में। देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है। तो जितना हो सके इतना यहाँ मैं स्क्रैच कर रहा हूँ, जिससे सब इन्फेक्शन पुराना नया सब हट जाए। और अब मुझे इस पे नज़र रखनी होगी इस प्लांट पे, एक ही बचा है ये। तो चलिए मिलते हैं, ऐसे ही बने रहेगा तो ऐसा तो चलता रहता है। कुछ प्लांट नई बनते हैं, कुछ खराब होते हैं, वो सब चलता रहता है। फंगीसाइड इसका भी घोल भी मैं दे चुका था पर कुछ काम नहीं आया। तो चलिए अब क्या होता है इसके लिए बने रहना होगा। मिलता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।